हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल टेक ऑनलाइन में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक नई अनबॉक्सिंग लेके आए हैं। तो वो अनबॉक्सिंग कौन सी है? आपकी एक माइक की वो अनबॉक्सिंग है। तो चलिए देख लेते हैं कैसी है अपनी माइक। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है वो मेरी पुरानी बोया माइक से हो रही है, जो मैंने यहाँ पर लगा रखी है और उसको मैंने 2 साल यूज़ किया है। तो देखिए, अब आपका मैं 2 साल का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि 2 साल के बाद बोया की माइक कैसे वर्क करती है और ये जो नई माइक है और पुरानी माइक में है माइक जो है उसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है। 2 साल के बाद जो आपकी बोया माइक है तो उसकी जो वॉइस क्वालिटी है वो कैसी रह जाती है, ये भी मैं आपको इसमें टेस्ट करके बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले तो अनबॉक्सिंग देख लेते हैं और साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि इसका प्राइस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो आप वॉइस हमारी सुन रहे हैं वो बिना माइक के है, यानी कि मेरे फ़ोन से ये आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वॉइस है। अब इसके बाद मैं ये जो पुरानी माइक है इसकी वॉइस आपको सुनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी ये जो पुरानी माइक है बोया की, सेम मॉडल की बोया BY-M1 जो माइक है वो उसको मैंने प्लग कर लिया है और ये माइक जो है वो 2 साल पुरानी है। तो आप इसकी वॉइस सुन सकते हैं कि इसकी वॉइस कैसी आ रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मिल जाता है आपको एक सिंपल सा बॉक्स। क्यों मिलता है? क्योंकि मैंने इसको ऑनलाइन परचेज़ किया है, अमेज़न की ब्रांडिंग है, तो ये बॉक्स किसी काम का है नहीं, तो इसको साइड में रख देते हैं। मेन प्रोडक्ट है हमारा ये बोया BY-M1। तो ये हमारी माइक का जो मॉडल है BY-M1 है और इसकी प्राइस जो है आपको 700 से 800 के बीच करीब में मिल जाएगी, जैसा ऑफ़र चल रहा होगा उस पर। कई बार तो ऑफ़र में कम की भी मिल जाती है, लेकिन ये मुझको 750 रुपये की पड़ी थी। तो अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर सिंपल वही माइक है और ये एक इसके साथ में एक झोला भी दिया जाता है इसको कैरी करने के लिए। इसको कैरी बैग भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक प्रकार से झोला ही लगता है और इसको ऐसे करके आप बंद भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मुझे ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि कैरी करने के लिए आपको एक झोला भी मिल रहा है इसमें और इसी के अंदर कुछ और टूल। ये आपको मिल जाता है कन्वर्टर, अगर आपको DSLR कैमरा में इसको लगाना है माइक को तो आप लगा सकते हैं। तो इसको भी साइड में रख देते हैं। अब निकालते हैं अपनी प्यारी सी माइक जो है बोया BY-M1। तो ये माइक कुछ इस तरह की आपको दिखेगी, काफ़ी उलझी हुई, जिसको आपको सुलझाने में काफ़ी टाइम लग सकता है क्योंकि इसका वायर काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन जो वॉइस क्वालिटी है वो आपको काफ़ी इम्प्रूव मिलेगी, काफ़ी अच्छी मिलेगी। जो बेस वगैरह होता है आपकी वॉइस में वो काफ़ी अच्छा मिलेगा इसमें। और इस पर आपको एक फॉर्म मिल जाता है, इसको मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये कुछ इस टाइप की माइक होती है और इस पर ये फॉर्म लगा दिया जाता है। फॉर्म से होता क्या है कि जैसे आप इसको पास में, मुंह के पास में लगा के बोल रहे हैं तो जो सांसों की आवाज़ होती है वो इसको नॉइस कैंसलेशन कर देता है। तो अगर फॉर्म नहीं है तो फॉर्म आप ज़रूर लगाइए इसमें, फॉर्म से आपकी वॉइस जो होगी वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। फिर बीच में ये कुछ पार्ट लगा हुआ था, एक्स्ट्रा पार्ट, चाहते तो एक सिंपल वायर में भी इसको जोड़ सकते थे। लेकिन इसकी भी एक खासियत है, यहाँ पर आपको 2 मोड्स मिल जाते हैं, एक है आपका कैमरा मोड और एक है स्मार्टफोन मोड। देखिए, जब आप कैमरा पे लगाते हैं इसको तो इसके अंदर एक पड़ा हुआ होता है सेल, तो वो सेल आपका वर्क करने लगता है। तो सेल से जो आपको कैमरा पे लगाएंगे तो वो सेल वर्क करेगा और आपके जो कैमरा में है आपको इनपुट वाइज मिल जाएगी। और अगर आप स्मार्टफोन का यूज़ करना चाहते हैं मोबाइल पर, तो आप इसको स्मार्टफोन पर लगा सकते हैं। और बात की जाए इसके सेल की, तो इसके अंदर आप जैसे इसको खोलेंगे तो यहाँ पे आपको एक सेल पड़ा मिल जाता है। और ये सेल की बात करेंगे कि ये कितने दिनों में खर्च होगा या कितने दिनों तक चलेगा। तो अगर आप मोबाइल का यूज़ करते हैं, मोबाइल पे आप यूज़ करते हैं, तो सेल का कोई यूज़ नहीं होता है, आप सेल निकाल देंगे तब भी ये चलती रहेगी। हाँ, कैमरा पर आप यूज़ करते हैं तब भी आप 500 से 600 वीडियो बना डालेंगे तब भी सेल नहीं ख़त्म होगा। तो इसको कर देते हैं बंद। तो अब करते हैं इसकी वॉइस टेस्टिंग। मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे पास 2 साल पुरानी बोया माइक है। तो आज हम चेक करेंगे कि क्या 2 साल पुरानी बोया माइक आज भी वैसी ही आती है। तो चलते हैं करते हैं वॉइस
टेस्टिंग। तो अब मैं लगाने वाला हूँ इस माइक को अपने फ़ोन में। ये माइक मैंने अपनी पुरानी निकाल के रख दी है यहाँ पे, देख सकते हैं ये भी वैसी है माइक। तो फ्रेंड्स अब देखिए मैंने अपनी पुरानी माइक हटा दी है और मैं अब इसको लगाऊंगा। अब आप देख सकते हैं कि वॉइस क्वालिटी कैसी है, कैसी क्या इम्प्रूव हुई है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस माइक की वॉइस क्वालिटी ज़्यादा अच्छी थी। देखिए इसमें फॉर्म वगैरह कुछ नहीं लगा था, फिर भी जो आपको वॉइस मिली होगी वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस माइक की वॉइस क्वालिटी कैसी है ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये 2 साल पुरानी माइक है और 2 साल में कभी भी इसने मुझको धोखा नहीं दिया, ये बहुत अच्छा इसने वर्क किया है। तो इसीलिए मैंने नई माइक जो परचेज़ की है वो बोया BY-M1 ही परचेज़ की है। और अगर आप शुरुआत में कोई माइक प्रेफर कर रहे हैं तो ये सबसे अच्छा और बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको माइक हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, ये बोया पे फ़ोटो बहुत अच्छी भी है, लुकिंग वेरी नाइस।